वेलकम टू साइंस सिंक। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस का आप गुणा, भाग, जोड़ना और घटाना किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आपके पास में जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये चारों चीजें किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारे पास में फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर हमारे पास में एक नंबर होता है और नीचे हमारे पास में एक नंबर होता है, और ये जो लाइन है ये इन दोनों को सेपरेट करती है, यानी कि अलग अलग करती है। तो ये जो हमारे पास में ऊपर नंबर दिया होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो हमारे पास में नीचे नंबर दिया होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, क्योंकि मैं इन्हीं वर्ड्स का भी यूज करूंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि फ्रैक्शंस हम इसको क्या बोलेंगे, पूरा फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमें देखो चार चीजें पढ़नी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, ये चारों चीजें हैं। तो हम इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले हम इन दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी चीज आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए किसी भी फ्रैक्शन का हमारे पास में जो है दो ऑप्शन होते हैं। देखो दो ऑप्शन कैसे हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां पर मेरे पास में है 1/4 प्लस एक और नंबर ले लेते हैं, यहां पर फ्रैक्शन होगा 1/4। तो अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास में कोई ऐसा फ्रैक्शन हो सकते हैं जिनमें हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा। डिनोमिनेटर देखो क्या है, यहां पर 4। सो 4 जो है वो इस वाले फ्रैक्शन में भी मेरे पास में डिनोमिनेटर है और इस वाले फ्रैक्शन में भी मेरे पास में डिनोमिनेटर में ही 4 है। सो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास में ये जो न्यूमिनेटर है यानी कि ये 1 और ये वाला 1, इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। सो ये कितना हो जाएगा, जब हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम होते हैं सो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो हम दोनों न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे सो हो जाएगा 1+1 और डिवाइड में आएगा 4, क्योंकि 4 जो है ये हमारा दोनों के ही अंदर आ रहा है, सो दैट इज कॉमन। सो ये 4 जो है ये मेरा दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हुआ। सो हम एक नंबर लिख सकते हैं डिवाइड में 4। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कब, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है फ्रैक्शंस में। सो ये कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है, और देखो यहां पर एक केस और सीखो, वो ये कि मेरे पास में इसे सॉल्व करने के बाद 2/4 आया। ठीक है, लेकिन आपके पास में अगर ये नंबर कट सकते हैं तो आपको इनको काटना है। ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लिखना है, जैसे कि हमें पता है 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है, तो मेरे पास में आंसर 2/4 नहीं, आंसर कितना आएगा 1/2। ये आपका आंसर है इसे सॉल्व करने के बाद। देखो ये चीज मैंने बताई एडिशन के लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं ले लेती हूं, सपोज करो मेरे पास में है नंबर और यहां पर मेरे पास में एक फ्रैक्शन है 2/3 और इसको हम माइनस कर रहे हैं 1/3। ठीक है, अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस में क्या कर रहे हैं भाई, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो यहां पर भी आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर इज सेम। सो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है सो कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो यानी कि हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 2-1। देखो इस चीज को आपको कब करना है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे कि यहां पर देखो डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो इसका
आंसर कैसे निकालोगे? 2 माइनस 1, तो लिखेंगे 2 माइनस 1। डिवाइजन में क्या जाएगा आपके पास में? डिनोमिनेटर में 3, जो कि आपका दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 माइनस 1 इज 1, सो 1/3 ये आपका आंसर है, क्योंकि ये आप कट नहीं सकता है, ठीक है। सो आपको इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 1/3। ये हमारा केस कब था? जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम था। सो जब आपका डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। सो एक बार हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। सो अब मैं बात कर रही हूँ जब आपका डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन के अंदर वो डिफरेंट दिया हुआ है, तब आप कैसे एडिशन करोगे और कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे। देखो यहाँ पर मेरे पास में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सो आप सबसे पहले नोटिस करो उस चीज को कि डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। सो ऐसे केस के अंदर हम जो है इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे बाई एलसीएम मेथड, ठीक है। जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम से हमारे पास में कॉमन नंबर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में मेरे पास में 4 और 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले ले, ठीक है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे छोटे नंबर से हम जो है यहां पर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। या तो वो इसमें से किसी एक नंबर को डिवाइड कर दे या फिर दोनों को ही कर दे, ठीक है। आप मेरी एलसीएम की वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहां पर जो है हम किससे करेंगे? सबसे छोटा नंबर जो होगा, जो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर सकता है, वो क्या होगा? हमारा 2 है ना, क्योंकि 2 2 होता है 4। इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे और ये 3 नहीं जाएगा, सो ये 3 एज इट इज आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे, क्योंकि वो हमारा छोटा नंबर है। सो 2 1 हो जाएगा 2 और 3 हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब मेरे पास में कितना बचा है? सिर्फ 3 बचा है। सो हम किससे करेंगे? 3 1 3। और यहीं तक हमें एलसीएम लेना होता है। यहां पर मेरे पास में आ गया 1 1। सो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये वाले जो मेरे पास में नंबर्स आए हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। सो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3। सो 2 2 = 4 4 3 = 12। सो यानी कि 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो मैं यहां पर लिख देती हूँ एलसीएम ऑफ 4 and 3 = 12, ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने निकाल कर ये दिखा दिया है। अब कैसे सॉल्व करते हैं? देखो जो मेरे पास में एलसीएम आया है इसको मैं सोल्यूशन यहां पर लिख रही हूँ। जो एलसीएम आया है उसको हम लिखेंगे यहां नीचे, ठीक है। और अब को देखो, ध्यान से सुनना इस चीज को। यहां पर जो आपके पास में एलसीएम आया है इसको हम इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम चीज हमें इस वाले फ्रैक्शन के साथ भी करनी है। जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में। देखो किस तरीके से करना है। एलसीएम मेरा 12 आया है, सो 12 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। सो 12/4 करोगे तो कितना आएगा? 3। जो 3 आया है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो 3 1 कितना होता है? 3। सो हम यहां पर लिखेंगे 3। देखो सिंपल है बिल्कुल। आपको क्या करना है? जब आपको दिख रहा है कि आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो आप क्या करो? एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आया है नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहां पर 3 आया, अब बीच में साइन क्या डालोगे? प्लस का, क्योंकि आपको दिया हुआ है। सो प्लस, ठीक है। अब 12/3 करो, कितना आएगा? 4। सो यहां पर हम कितना लिखेंगे? 4 × 2 करके, यानी कि 8, क्योंकि हमने 12/3 करेंगे तो 4 आएगा और उस 4 को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है। सो 4 2 = 8। अब इसे सीधा आप जो है सॉल्व कर लो। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। सो ये हो जाएगा आपका 11/12। ये आपका आंसर है।
सो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है, एलसीएम लेके जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो ये हमारा ऐसे केस है जब हमारा एडिशन हो रहा है। अब हम ले लेते हैं दूसरा सम सब्ट्रैक्शन के लिए। सो सब्ट्रैक्शन के लिए हम ले लेते हैं 3/4 - 1/8, ठीक है ना। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच कैसे रखनी है सॉल्व करने के लिए। देखो मेरे को दिख रहा है कि दोनों डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। सो क्या करेंगे, सीधा एलसीएम ले लेंगे। सो यहां पर ले लो एलसीएम, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। सो हमें पता है सबसे छोटा नंबर जो इनमें से किसी एक को या दोनों को डिवाइड कर सकता है वो हमारा 2 है। सो यहां पर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 2 होता है 4 और 2 4 होता है 8। अब फिर से किससे जाएगा, 2 से। सो 2 1 होता है 2 और 2 2 होता है 4। कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा। सो फिर से लिख देते हैं 2 1 2 हो गया। अब ये वाले जो नंबर आए हैं हमारे पास में, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 2 2 4 4 2 8, तो यानी कि एलसीएम मैं यहां पर लिख रही हूं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8, ठीक है। मैंने पूरा बताया आपको कैसे करना है। देखो अब मेरे पास में एलसीएम आ गया। अब सिंपल सी चीज क्या करनी है, वही डिवाइड मल्टीप्लाई की। सो जो एलसीएम आया है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। अब 8 डिवाइड बाई करो 4, 8 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आएगा, 2। इस 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि न्यूमिनेटर में। सो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पर लिखो 6, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड करा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करा। अब ए करो 8 डिवाइड बाई 8। सो 8 में से 8 जाएगा तो भाई 1, ठीक है। सो 8 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 1 आएगा, और फिर 1 × 1 करोगे तो भी 1 आएगा। सो यहां पर -1 लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। 6 - 1 कितना होता है, 5। सो आपका आंसर है 5/8। अब ये कटेगा तो है नहीं, सो आपका यही आंसर है। सो देखो मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बता दिए हैं। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कर दो, और जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो अब सीखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। देखो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर आपके पास में एक ये फ्रैक्शन है और आपके पास में एक ये फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो मल्टीप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये है कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और उनको रख दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, वही आपका आंसर है। सो कर देते हैं 4 4 × 1 डिवाइड में क्या है हमारे पास में, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, 5 × 4। बस जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका फ्रैक्शन होगा। अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप निकाल पा रहे हो डिवाइड करके, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको निकालना होता है। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 डिवाइड बाई 5 4 होता है 20। सो आ गया 4 डिवाइड बाई 20। अब सिर्फ आपका यही आंसर नहीं है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है। सो इसको हम अगर काट देते हैं तो कितना आएगा, 4 1 होता है 4 एंड 4 5 होता है 20। सो आपका आंसर कितना है, 1/5। देखो कितना आसान है मल्टीप्लीकेशन करना, ऊपर वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास में अगर है 3/4 × 1/2, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, हम करेंगे भाई इस न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो आपको ये 7 वाले जो है मल्टीप्लाई कर देने हैं, 3 × 1 एंड 4 × 2। सो कितना हो जाएगा, 3 × 1 डिवाइड बाई 4 × 2। आंसर कितना आएगा, 3 1 3 4 2 8। सो आंसर इज 3/8। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिविजन कैसे करना होता है फ्रैक्शंस का, ठीक है। सो यहां पर मैं ले रही हूं 1/2
एंड हमें इसको डिवाइड करना है भाई 3/4 से, ठीक है। बीच में क्या साइन है, डिवाइड का, सो हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवीजन में करना है। सो डिवाइड के लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो जब भी आपके पास में क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि डिवाइड करना है, सो आप क्या करो, आप कोशिश करो कि इस डिवाइड से आपको छुटकारा मिल जाए। कैसे मिल सकता है, आप क्या कर सकते हो, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज कर लो। कैसे करेंगे चेंज, यहां पर आपके पास में जो डिवाइड का साइन है इसे हटा के हम लगाएंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन का साइन, ठीक है। अब ये मेरे जो वैल्यू है ये सेम तो रहेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है यानी कि ये, इसे हम चेंज कर देते हैं, तो यानी कि इसे हम ऐसे फ्लिप मार देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा हो जाता है इंटरचेंज, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3/4 की बजाय 4/3। अब देखो मेरे पास में जो फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, और मल्टीप्लीकेशन तो हमने सीख लिया है तो वो हमें ऑलरेडी आता है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हो गया सॉल्व, ठीक है। तो जब भी आपको डिविजन का साइन दिखे सो डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा दो और जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन है उसको चेंज कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 1 × 4 = 4 एंड 3 × 2 जो होता है 6। अब ये दोनों ही हमारे क्या है भाई, कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि हमें पता है 2 × 2 = 4 होता है और 2 × 3 = 6 होता है। सो ये कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो आपका आंसर कितना है 2/3। चलो एक और क्वेश्चन ले ले इस तरीके से ही, देखो डिवाइड के लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/5 और 7/8 है, ठीक है। सो हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, हम इस डिवाइड के साइन को यहां से हटा देंगे, डिवाइड के साइन की जगह पर सीधा लगा दो मल्टीप्लाई। सो ये कितना हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई, अब ये जो मल्टीप्लाई के बाद का जो हमारा फ्रैक्शन है वो एज इट इज नहीं लिखना है, उसको हमें उल्टा करके लिखना है। सो 7/8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8/7। सो ये हो जाएगा 8/7, है ना। अब हमारे पास में क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन हम कर चुके हैं तो कैसे हो जाएगा 3 × 8 और 5 × 7, सीधा मल्टीप्लीकेशन है तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं, ये हो जाएगा 3 × 8/5 × 7। 3 × 8 का कितना होता है 24, डिवाइड बाई 5/7 होता है 35, तो आपका आंसर है 24/35 क्योंकि ये नहीं कटेगा। सो आपका ये इवन में है, ये ऑड में है, नहीं कटने वाला, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किस तरीके से करना होता है, इसके अलावा आप और किसी तरीके से भी कर सकते हैं, वो आगे हम किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।